पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो गाइस, अब देखते हैं हम अप्पम बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी। तो ये देखिए, आप इसे झटपट सुबह की भागदौड़ में, इसे झटपट सुबह के नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं, शाम की चाय के टाइम बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी, बहुत आसान तरीके से आप इसे बनाइए और सभी को खुश करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है। ये मैंने सूजी ली है लगभग 250 से 300 ग्राम, ये रवा सूजी ली है। ये मैंने 3 प्याज लिया है जिसे धुल के मैंने बारीक शेप में इसे काट लिया है। और ये मैंने शिमला मिर्च ली है 3, इसे भी मैंने धुल के एकदम बारीक काट लिया है। और ये मैंने 3 गाजर ली है, इसे भी अच्छे से मैंने धुल के इसे बारीक काट लिया है। ये मैंने आधा बोल दही ली है और ये थोड़ी सी धनिया ली है, इसे भी धुल के बारीक काट लिया है। और एक मैंने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च आप अपने स्वादानुसार लीजिए, मेरे बच्चे तीखा नहीं खाते हैं बस इसलिए मैंने एक ही हरी मिर्च इसमें ली है। और ये मैंने थोड़ा सा ग्रेसिंग के लिए ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल लिया है थोड़ा सा। और ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी विधि बताऊंगी। ये मैंने सूजी ली है, तो सूजी में पहले हम ये जो आधा बोल दही है ये डाल देंगे। आधा बोल ये दही डाल दी है और इसमें हम ये कटी ये गाजर डाल देंगे, ये शिमला मिर्च, ये प्याज, इसमें ये जो हरी धनिया और हरी मिर्च है ये हम डाल देंगे जो कि मैंने धुल के रख लिया था। और अब हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 2 बोल इसमें पानी ऐड करके पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि इसमें हमें और पानी अगर लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे। और तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 2 बोल पानी ऐड करके इसमें अच्छे से इसको सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें हमें पानी और लगेगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अभी ऐड करते हुए हम इसे मिलाएंगे। मेरा पूरा 3 बोल भर के इसमें पानी लगा है, इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ये नमक भी ऐड कर देंगे, नमक डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और हमें इसे आधा घंटा लगभग 15 से 20 मिनट, हम इसे 20 से 25 मिनट लगभग इसे फूलने के लिए रख देंगे। हम इसे ढक देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा इसका जो बैटर है ये थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा और इसमें पानी मिक्स करके हम इसे चला लेंगे, क्योंकि जब ये सूजी फूल जाती है तो थोड़ा सा इसका बैटर भी गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसमें बस हल्का सा और पानी मैंने डाल दिया है, डाल के बस इसे चला लिया है। देखिए अच्छे से हम इसे चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी हो गया है अप्पम का। ये देखिए, मेन हर चीज में बैटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका जो बैटर है, चाहे आप ढोकला बनाइए, चाहे अप्पम बनाइए, चाहे इडली बनाइए, चाहे डोसा बनाइए, तो हर चीज का अलग अलग बैटर होता है उसका। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरह से हमें रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गैस ऑन करके मैंने ये अप्पे मेकर जो है इस पे रख दिया है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ये ऑयल ग्रीस कर लेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा, बस 1 to 2 ड्रॉप हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमें बहुत ज्यादा इसमें ऑयल की जरूरत नहीं है। तो देखिये फ्रेंड्स, अब हम इसमें पोर कर लेंगे ये बैटर जो है।
गैस को हमें लो फ्लेम रखना है फ्रेंड्स। ये लेस ऑयल में बहुत अच्छा हेल्दी नाश्ता बन जाता है और आप इसे चाय के टाइम, शाम की या सुबह के नाश्ते में आप इसे ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत पौष्टिक है ये फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने ये अच्छे से सब इसमें पोर कर लिया है और ऊपर से हम इसमें बस वन वन ड्रॉप इसमें ऑयल डालेंगे बस। और अब हम इसे ढक देंगे मीडियम फ्लेम। स्टार्टिंग में हम इसे मीडियम फ्लेम रखेंगे, फिर बाद में 5 मिनट बाद हम इसे लो फ्लेम कर देंगे। हमें लो फ्लेम पे लगभग 10 मिनट तक इसे पकाना है। ये जल्दी पक जाता है फ्रेंड्स, बट ये ध्यान रखना है कि हमें 5 मिनट में इसे खोल के एक बार चेक कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरे 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसे देखिए इस तरह से इसे पलट देते हैं। ये एक साइड से अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स। इस तरह से हम सारे इसको पलट के दूसरे साइड से भी हम इसे पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे पलट लिए हैं और अब हम इसे ढकेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम से इसकी जो सारी सब्जियां हैं ये पक गई हैं। तो हमें इसे बस इसे 5 मिनट के लिए और ये पका लेना है नीचे के साइड, और ये 10 मिनट में हमारा टोटल ये तैयार हो जाता है। इसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, पूरा 10 मिनट में हमारा बन के एकदम रेडी हो जाता है। ये जो है ये तीनों ये सेंटर में है, तो इसकी सेंटर में फ्लेम थोड़ी सी ज्यादा लगती है, इसलिए जल्दी ज्यादा ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। फ्रेंड्स, ये इसकी बैक साइड से भी ये अच्छे से पक गया है और ये मेरा अपम जो है ये रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्विंग प्लेट में हम सर्व करते हैं। तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा अपम रेडी हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे एकदम जल्दी से, इंस्टेंट रेसिपी है ये, इसे जल्दी से आप इसे बना के सब लोगों को खुश करिए। और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और सॉफ्ट होता है, तो बच्चे से आराम से, बच्चे बूढ़े सभी इसे आराम से खा सकते हैं। और जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उसे भी आप इसे बना के नाश्ते में आप इसे दे सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये अपम की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।